गाइस वेलकम टू फिजिक्स एंड प्ले ग्राउंड अभी आप लोगों को जेनेटिक्स का क्वेश्चन पेपर मिलेगा एक्चुअली पूरा का पूरा बायो का पेपर मिलेगा एनसीईआरटी में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो आपसे 2021 में पूछा जा सकता है वो सारा कुछ मिलेगा और एक साथ नहीं मिलेगा थोड़ा टाइम चाहिए मुझे दो मंथ हो चुका है ये किसी ने मांगा था कि वोल्यूशन का डाल दीजिएगा तो बट वो नहीं हो पाया एक्चुअली होता है क्या लेटल फूम है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं बोल सकते हो मुझे कल दूंगा कल दूंगा और बीच में भूल जाता हूँ समझे सिर्फ दो चीजें दिमाग में रहता है कि पासपोर्ट और वॉलेट कभी ना बोलो ये तो होता है ये किसी किसी के साथ थोड़ा प्रॉब्लम होता है भूलने का तो ये है सारा कुछ अब याद आया तो सोचा पूरा का पूरा बायो आपको दे दूं समझे अब इसमें मैं कुछ बताऊंगा नहीं इसमें सिर्फ याद रखना एनसीईआरटी से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सारा कुछ लिया हुआ है और हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक क्वेश्चन को सही तरीका से आप लोग कर लेना समझे अब जैसे मान लो यहाँ पे दिया हुआ है द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ अ डिफरेंट ब्ला ब्ला एडेप्टिव रेडिएशन इज कॉल्ड एडेप्टिव रेडिएशन तो यहाँ पे एडेप्टिव रेडिएशन का डेफिनेशन दिया है तो आप लोगों को एडेप्टिव रेडिएशन का एग्जाम्पल भी पढ़ना है और एग्जाम्पल कहा से पढ़ना है एन सी आर टी से और ये दो हज़ार इक्कीस में आ सकता है एडेप्टिव रेडिएशन अच्छे से देख लेना और यहाँ पे मान लो जैसे साल्टेशन के बारे में दिया हुआ है साल्टेशन किसे बोलते तो वो जा कर के एन सी आर टी में साल्टेशन किसने दिया था कैसा क्या कॉन्सेप्ट लगाया था डॉनियन ने और हुगो हुज ने तो वो सारा कुछ देख लेना है समझे किसने एक्सपेरिमेंट में काम किया था इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं वो देख लेना है आप लोगों को फिर यहाँ पे आता है डाइवर्जेंट रिशन कन्वर्जेंट रिशन होमोलॉगस एनालॉगस एनालॉगस डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट होमोलॉगस इन सब के एग्जाम्पल सही तरीक़ा से देख लेना समझे ये आपसे पूछा जा सकता है और भी और ज़्यादा कुछ है नहीं फिजिक्स के पेपर अपलोड हो जाएंगे ये बताना तो आपको टाइम लगेगा थोड़ा टाइम लगेगा आपका एग्जाम भी एक्सटेंड हो गया बोला था मैंने बहुत सारे एग्जाम्स भी लूंगा बट वो नहीं हो पाया खुद का भी थोड़ा सा बिजी हो गया था बीच में समझे तो सारा कुछ होगा टाइम पे हो जाएगा फिफ्टींथ ऑफ मार्च तक आपका ये पूरा बायो और उधर फिजिक्स का सारा कुछ अपलोड हो जाएगा कब फिफ्टींथ ऑफ मार्च आपको क्या करना है टेलीग्राम पे चले जाना है वहाँ पे चैनल में ऐड हो जाना है बस फिफ्टींथ ऑफ मार्च तक सारा कुछ अपलोड हो जाएगा वहीं पर वीडियो कुछ नहीं आएगा ये लास्ट वीडियो है इसके ऊपर दोबारा वीडियो नहीं आएगा कि इस चैप्टर का क्वेश्चन है समझे और ना ही फिजिक्स का आएगा वो लाइन वाइज जैसे जैसे पेपर बनते जाएगा वो सारा कुछ अपलोड होते जाएगा तो उसे देख लेना और एक चीज आपको बताना था जैसे ये मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का क्वेश्चन है चार्जिंग ऑफ टीआरएन ए इन्वॉल्व अटैचमेंट ऑफ एसिड टू टी ये कुछ आपको दो में पूछा गया था तो ये ये कहाँ से आया था क्वेश्चन एग्जामिनर के दिमाग में वो क्वेश्चन आया था 2016 थाउजेंड फेज टू फेज टू से समझे वो कुछ ये था 23 थ्री एस आर आर एन और ये दोनों कॉन्सेप्ट एक ही टॉपिक के हैं तो जो टॉपिक से क्वेश्चन एक बार पूछ लेता है ना तो उस टॉपिक को पूरे अच्छे से पढ़ लो क्योंकि अगर वहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है तो बहुत आसानी से जा करके सॉल्व करके आओगे समझे और मैक्सिमम चांस वही होता है कि जो प्रिवियस ईयर में पूछे गए हैं वहीं से घुमा फिरा करके वो कुछ पूछेगा समझे प्रिवियस ईयर पेपर करने का तरीका यही है कि सिर्फ और सिर्फ उसके ऑप्शंस मत पढ़ो उसके ऑप्शंस जो दिए हुए हैं उसके बारे में पढ़ लो और वो किस टॉपिक से पूछा गया है वो एन सी के बुक खोलो एन से पढ़ लो एन सी के अलावा बायो में मुझे नहीं लगता कि कुछ और पढ़ना पड़ेगा सिक्स टॉपिक होते हैं जो कि आपका आउटसाइड ऑफ एन वो लोग ले जाते हैं एक आध क्वेश्चन मैक्सिमम छओ से मिला करके दस क्वेश्चन वो लोग पूछते हैं साइटोलॉजी वुमेन फिजियोलॉजी जेनेटिक्स और आप लोगों का जेनेटिक्स ह्यूमन फिजर रिप्रो रिप्रो में जैसे एग्जांपल कैपेसिटेशन हो गया ये पूछ लेते हैं और ये भी 2015 में पूछा गया फिर 17 में पूछा गया था फिर यूनिट नंबर वन क्लास इलेवन का बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और फिर बस इतने छह टॉपिक यही है सारा कुछ बायोटेक्नोलॉजी से कभी कभार थोड़ा सा पूछ लेते हैं दो हजार फेज में पूछा गया था हिंद करके था वो ठीक है वो देख लेना एक बार सो थैंक्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में